हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पिछले क्लास में सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। सर्कुलर लूप यानी वायर जब सर्कुलर शेप का रहेगा और उसके दो एंड को हम लोग पावर सप्लाई से जोड़ देंगे, है ना, पावर सप्लाई से जोड़ देंगे, तो फिर इस केस में क्या होगा, ये सर्कुलर वायर जो है किसी शीट पर बंधा रहेगा दो एंड पे, है ना, और फिर इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और सेंटर में सर्कल जो वायर होता है सर्कुलर शेप का होता है ऑलमोस्ट, या सर्कल ही जैसा होता है, ठीक है, उसको सर्कुलर आकार दिया रहता है। तो जब करंट फ्लो होगा यहाँ प्लस एंड है और यहाँ पे माइनस एंड, तो करंट इधर उधर फ्लो होगा, इधर जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से आते आते यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने समझा था राइट हैंड थंब रूल से, और हमने ये पाया था कि जो ये सर्कुलर वायर है या सर्कुलर लूप जो होता है, जो वायर से बना हुआ है सर्कुलर शेप के वायर से, सर्कल के शेप के वायर से, उसके सेंटर में, ये सर्कल का सेंटर हो गया ना, तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज वाई जो सेंट्रल लाइन हम लोगों ने समझी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है तो करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस सर्कुलर वायर में या सर्कुलर लूप में करंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे करंट घटाएंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट जाएगा, बट ओवरऑल बाकी जगह के कंपैरिजन में सेंट्रल पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर लूप के केस में, ठीक यही कॉन्सेप्ट हमको इस्तेमाल करना है सोलेनोइड में, ठीक है। यहाँ पर भी वायर का कुछ सर्कुलर आकार ही लगभग दिया जाएगा, तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। चलिए इसको समझते हैं कि ये सोलेनोइड क्या होता है और किस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, है ना। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक वायर है, ऐसे स्प्रिंग जैसा लपेटा हुआ है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, जैसे आप कोई धागे को या किसी मेटल के वायर है उसको ऐसे लपेटेंगे तो कुछ ये स्प्रिंग जैसा लुक देगा, है ना। तो सोलेनोइड भी कुछ इसी तरह का आकार होता है। सोलेनोइड क्या है, इट इज़ ए लॉन्ग कॉयल, कॉयल का मतलब होता है घुमा हुआ वायर, है ना। वायर जनरली हम लोग जब बोलते हैं वायर, तो वायर का मतलब जैसे सीधा होता है, जैसे हम लोग सर्किट में स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो जनरली वायर मतलब स्ट्रेट, लेकिन जब हम लोग स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर, लेकिन कॉयल बोल दिए, कॉयल का मतलब घुमावदार, घुमा हुआ, है ना। तो घुमा हुआ वायर को हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं, जिसमें जो उसका टर्न्स होता है, कितनी बार वो घुमा है, वो कई बार हो सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सकता है, कम से कम बार हो सकता है, जैसे टर्न है एकदम पास पास में, ठीक है। तो जहाँ पे वायर पास पास में लपेटे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, है ना, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगा, है ना। इस स्प्रिंग को अगर आप ऐसे देखेंगे तो इस तरह का होल रहेगा और वायर ऐसे से लपेटा हुआ है, तो सेंट्रल पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगा, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जैसे कि सर्कुलर लूप के केस में था, वहाँ भी सर्कल जो सर्कुलर वायर था उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हाई क्रिएट हो रहा था बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सिमिलरली यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड हाई क्रिएट होगा। तो सोलेनोइड हम लोग समझ रहे थे, सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉयल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जनरली कॉपर वायर यूज किया जाता है, उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है और बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपर वायर को हम लोग यूज करते हैं, उसको कॉयल कर देते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो वही जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक जो कॉपर वायर को हमने लपेटा है, पास में स्प्रिंग जैसा उसको शेप दिया है, दैट इज सोलेनोइड, ठीक। अब इसमें जो स्प्रिंग जैसा शेप दिया या इसमें कॉइलिंग की गई है, वायर को या तार को घुमाव दिया गया है, वो जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा घुमाव, उतना ही उसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर में क्रिएट होगा, और जितना दूर दूर रहेगा, मान लीजिए बहुत पास पास में, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा, लेकिन कोई वायर इसमें जो है कॉइलिंग तो है, मतलब टर्न्स तो बन रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्पेस है उसमें, स्पेस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना।
जितना ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगा वायर का लपेटने का, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी उतना ही ज़्यादा उसमें करंट पास होगा। कैसे? कि जैसे वायर है पास पास में लपेटा गया रहेगा, तो करंट जो है अगर स्ट्रेट वायर में जाता है तो ऐसे निकल जाएगा सीधा करंट, लेकिन इस तरह से क्वाइल किया रहेगा तो करंट एक ही जगह पे कई बार घूमेगा, एक दो बार ऐसे ही, मतलब इतना दूरी तय करने के लिए करंट को कई बार उसमें रोटेट होना पड़ेगा। और जब इतनी देर तक वो रहेगा करंट उस पार्टिकुलर पोजीशन तक, तो करंट अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट करेगा, और स्ट्रेट वायर में उसके कंपेरिजन में मैग्नेटिक फील्ड कम क्रिएट होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर से हम लोग क्वाइल्ड वाले वायर का कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये क्वाइलिंग में भी अलग अलग तरह का क्वाइलिंग हो सकता है, बहुत क्लोजली पैक्ड हो सकता है, पास पास में क्वाइलिंग की गई है, एकदम सटा सटा कर वायर को एकदम लपेटा गया है, या दूरी बनाकर। जैसे दूरी बढ़ेगी तो करंट को कम समय मिलेगा वहाँ पे रोटेट होने के लिए, है ना, बहुत जल्दी करंट आगे बढ़ेगा। जब करंट जल्दी से आगे बढ़ जाएगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी कंपेरेटिवली कम बनेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हमको सोलेनॉइड समझ में आ गया। सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉयल, यानी एक लंबा घुमावदार वायर होता है। किसका बना हुआ? कॉपर का इंसुलेटेड वायर का बना हुआ, जो एन नंबर ऑफ टाइम, कई सारे नंबर ऑफ टाइम रोटेट किया गया है, उसको टर्न्स किया गया है, यानी उसको लपेटा गया है। ठीक, अब ये हमारा जो सोलेनॉइड है, जब इसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं, स्विच, बैटरी, बाकी सारे जो अपरेटस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी सर्किट की, उससे कनेक्ट करते हैं, तब ये हमारा सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट आप जानते हैं रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल, है ना। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में आती हैं, है ना, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ में मिल जाती हैं, है ना, चाहे अपर साइड हो चाहे लोअर साइड हो। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ पे आके मिल गई, यहाँ पर भी सिमिलर हो रहा है ना, और अंदर जाके मिल जाती हैं। ऐसे नंबर ऑफ लाइंस चलती रहती हैं, कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है, ओवरलैप नहीं होती है। हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, हालांकि बनाते समय थोड़ा सा ओवरलैप हो जा रहा है, वैसे नहीं करना है, कम ही लाइंस बनाना है शो करने के लिए, तीन चार लाइंस बस, सेपरेट थोड़ा स्पेस देकर बनाना है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमको पैटर्न देखने को मिलता है बार मैग्नेट में। सिमिलर पैटर्न यहाँ भी देखने को मिलता है, जब हम लोग सोलेनॉइड को यानी घुमावदार वायर को सर्किट से जोड़ते हैं और करंट पास करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो हमारा सोलेनॉइड है बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, तो सर्कुलर लूप बना लेता है ना। उसको आप इमेजिन करिए, सर्कुलर लूप, ऐसे 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 लंबा सा, उसमें बीच में स्पेस है, तो वो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट होता है ना, और वो एक पोल से दूसरी पोल तक जाता है। अब हमको पता नहीं है नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, अब उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे कि दोनों एंड पे वन बाय वन, पहले इधर एक बार मैग्नेट लाएंगे नॉर्थ साउथ, एक बार उधर, तो देखेंगे किस एंड से ये हमारा सोलेनॉइड का एंड अट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि सोलेनॉइड का ये एंड कौन सा पोल का काम कर रहा है ना। ये मैग्नेट की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, बट इसका पोल हमको पता करना है सोलेनॉइड का, तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा जो मार्केट में बार मैग्नेट आता है उसको लाकर इसके पास रख करके देख सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह अट्रैक्ट करा। अगर ये नॉर्थ पोल वाला सोलेनॉइड का, तो ये साउथ बार मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और इधर बार मैग्नेट रखेंगे अगर ये साउथ पोल है तो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से सिंपल से बार मैग्नेट की सहायता से हम लोग सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल बता सकते हैं, और ये तभी होगा जब सर्किट क्लोज रहे, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो ही नहीं होगा तो ये वायर चाहे जैसा भी रहे, जिस भी डिजाइन में रहे, उसमें कुछ क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो जब सर्किट ऑन है तभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे सॉलेनॉइड में कौन सा एंड जो है नॉर्थ पोल और कौन सा एंड साउथ पोल का वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इट वर्क्स लाइक अ बार मैग्नेट इन अ क्लोज्ड सर्किट, एक बंद सर्किट में। बंद सर्किट यानी जहाँ पे सारे कनेक्शन क्लोज्ड हैं, यानी सर्किट में करंट का फ्लो चल रहा है। क्लोज सर्किट मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ओपन सर्किट यानी कहीं से ब्रेक हो गया सर्किट, यानी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो यहाँ करंट फ्लो होता रहेगा तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। किस मैग्नेट की तरह? बार मैग्नेट की तरह, जैसा आप देख रहे हैं। और हम लोग मान लेते हैं किसी मार्केट वाले बार मैग्नेट की सहायता से इस सोलेनॉइड का दोनों हमने पोल पता कर लिया, तो हम लोग रे डायग्राम भी इसका बना सकते हैं। रे डायग्राम, सॉरी रे डायग्राम नहीं,
इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बता सकते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ ही जाएगा, है ना। सिमिलरली जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ जा रहा है ना, ऐसे नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है, नॉर्थ से जाएंगे साउथ तक आएंगे, इस तरह का पैटर्न बनेगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो वहाँ बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जो नॉर्थ निकल के साउथ तक जाएगा। तो वही जो सेंट्रल पार्ट है आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढेर सारी इकट्ठा हो जा रही हैं इस कॉइल्ड वायर के अंदर, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैंने तीन चार ही बनाई है, पाँच छः इस तरह की, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर या सोलेनॉइड के अंदर इकट्ठा हो जाएंगी और सारे का वैल्यू जुड़ जाएगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो वैल्यू है हम वो ऐड हो जाएगा, और इस तरह से एक हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस सोलेनॉइड वायर के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है सोलेनॉइड का, और सोलेनॉइड को यूज किया जाता है ताकि एक बेटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सके, ठीक है। बहुत सारे मशीनों में भी इसका यूज है, मोटर वगैरह में, वो हम लोग थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद है कि जब इस तरह का पैटर्न होगा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो हमारा ये खोखला एरिया अंदर रहेगा ना, स्प्रिंग जैसा है, जो वायर है इसके अंदर खोखला एरिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट होगा तो इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। यानी अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं भी शो कर रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। यानी ये चारों तरफ जो वायर लपेटा है इसके बीच में स्पेस है, इसमें मान लीजिए बीच में मैंने, जैसे ये मान लीजिए ये वायर कई सारा पीछे तक है, एक मैं दो उंगलियों को जोड़ के बता रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं इस तरह से कि ये मेरी कई उंगलियाँ जो हैं कई वायर का काम कर रही हैं, स्प्रिंग जैसी हैं, मान लेते हैं ये सोलेनॉइड जैसी हैं। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दोनों एंड से जुड़ा है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है अंदर। अब इसके अंदर मैं कोई कोई भी अपरेटर्स रख दूँ, कोई लकड़ी रख दूँ या कोई मेटल का रॉड रख दूँ, तो वो भी बहुत स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ जो ये वायर कॉइल्ड है, घुमा हुआ है, इसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो इसके अंदर जो खोखले स्पेस में, हॉलो स्पेस में जो भी चीज़ रखी जाएगी वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, वो भी हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, ठीक है। और जनरली क्या किया जाता है, सोलेनॉइड या इस तरह के वायर कॉइल्ड वायर के अंदर कौन सा आयरन यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन। कौन सा आयरन, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, आयरन का जो ओर होता है जो जमीन से निकाला जाता है, वो कई सारे फॉर्म में निकला है, रॉट आयरन, सॉफ्ट आयरन, पिग आयरन, इस तरह के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज होती है। सॉफ्ट आयरन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसमें कुछ और एलिमेंट मिलाकर इसको हार्डनेस दिया जाता है, ये हार्ड किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह का ये मिनरल या मिनरल ही है आयरन का, जो जमीन से मिलता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन को जनरली हम लोग इस सोलेनॉइड वायर के जो खोखले स्पेस है, हॉलो स्पेस है, उसमें रखते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से क्या होता है, मैग्नेटाइज हो सकता है, क्योंकि आयरन है, आयरन तो मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो ये काफ़ी तेजी से मैग्नेटाइज होता है, और उसके साथ साथ ये जैसे ही करेंट का सप्लाई बंद करेंगे तुरंत डी मैग्नेटाइज भी हो जाता है। क्या हो जाता है, डी मैग्नेटाइज, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता रहेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा सोलेनॉइड में, उसमें सॉफ्ट आयरन का एक रॉड मैंने रख दिया यहाँ पे अंदर उस खोखले स्पेस में, तो सॉफ्ट आयरन भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ ये वायर घूमे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, है ना। और जैसे ही करंट या स्विच को मैंने ऑफ किया, करंट सप्लाई रुक जाएगा, तो ये डी मैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी होता है, तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है। अगर इसकी जगह पर स्टील वगैरह यूज करें, स्टील या अन्य तरह के कुछ मेटल्स, तो क्या होते हैं मेटल्स, एक बार अगर मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो उनको डी मैग्नेटाइज होने में बहुत समय लगता है, या कभी कभी वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो समस्या क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने स्टील का रॉड एक अंदर रख दिया, इसमें सोलेनॉइड में स्विच ऑन कर दिया, तो करंट फ्लो करेगा बहुत तेजी से इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला, हाई स्ट्रेंथ वाला इसमें क्रिएट होगा, अब हमारा स्टील का रॉड जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, जब इस स्विच को ऑफ करेंगे तब भी वो स्टील का रॉड जो है मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह नहीं, परमानेंट मैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब करंट पास करेगा तब कोई चीज़ मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, अब जब करंट पास नहीं करेगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। बट स्टील या कुछ ऐसे मेटल्स हैं
जिनको अगर इस तरह के कंडीशन में रखा जाए तो परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर अटेन कर लेते हैं, वो मैग्नेटिक बिहेवियर लंबे समय तक रखते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं जो बहुत तेजी से मैग्नेटाइज भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रहा है, और बहुत जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी होता है, यानी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म भी हो जाता है जैसे सर्किट को हम लोग ब्रेक करते हैं या स्विच को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इसमें। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं, है ना, कुछ बेसिक पॉइंट। सबसे पहला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे बढ़ता है, करंट के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये हुआ जितना ज्यादा करंट इसमें पास होगा इस सोलेनोइड या स्क्वायर्ड वायर के थ्रू, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होगा। पहली पॉइंट जो हम लोग सर्कुलर लूप के केस में ही पढ़े थे उसके सिमिलर ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा है, जितना ज्यादा बार क्वाइलिंग होगा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, जितना ज्यादा बार लपेटा रहेगा वायर, जितना ज्यादा पास में रहेगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल लार्जर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने वाले भी ये फैक्टर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तब बढ़ेगा इस केस में सोलेनोइड में जब करंट ज्यादा पास होगा इससे। ठीक है, अब करंट ज्यादा पास हो उसके लिए क्या होगा कि जो क्वाइलिंग हो ज्यादा हो जाए, पास में ज्यादा पास में वायर लपेटे रहेंगे तो उतना ही धीरे धीरे करंट फ्लो होगा, तो उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो एक ही बात में दो बातें छुपी हुई हैं। ठीक है, तो करंट ज्यादा पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा टर्न्स होगा जितना ज्यादा बार लपेटा रहेगा। जितना ज्यादा बार लपेटने का मतलब क्या है कि पास पास में लपेटा रहेगा, तभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वाइलिंग हो सकेगा। तो जितना ज्यादा बार टर्न्स रहेगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड या उतना ही लार्जर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी हमको समझना है ना। तो तीसरे पॉइंट में क्या ले सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस है, हॉलो स्पेस है, जैसा अभी हम लोगों ने समझा कि ये जो सॉलिनॉइड है इसका खोखला स्पेस है स्प्रिंग के अंदर, वहां पे हम लोग को किस तरह का मटेरियल यूज करें जो बेटर या स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो सबसे बेटर मटेरियल क्या होगा, सॉफ्ट आयरन, है ना। तो सॉफ्ट आयरन हम लोग मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते हैं ताकि वहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सके। तो सॉफ्ट आयरन कैन बी यूज्ड टू कैन बी यूज्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल टू क्रिएट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
तो तीसरा हमारा पॉइंट हो गया कि इस क्वाइल्ड वायर या सोलेनाइड के अंदर किस मटेरियल का यूज किया जाए ताकि मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाए। तो और किस में बढ़ेगा? सॉफ्ट आयरन के केस में। सॉफ्ट आयरन बहुत तेजी से मैग्नेटाइज होता है और बहुत हाई वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना। उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसके पास, उतना ही वो स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो सॉफ्ट आयरन एक बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाए, यानी मैग्नेट की तरफ आकर्षित होने लगे, उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे आयरन होता है और भी चीज़ें होती हैं। सो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। तो ये ओवरऑल हो गया सिनेरियो हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड यानी कि क्वाइल्ड वायर है ना, घुमा हुआ वायर, और वो कनेक्ट रहेगा हमारे बाकी सर्किट के अपरेटस से, जैसे कि बैटरी, स्विच एक्सेट्रा। और जैसे करंट पास होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये जस्ट सिमिलर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल से इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होगा, है ना। इसका पोल पता करने के लिए हम लोग दोनों एंड पे बार मैग्नेट मार्केट से लाकर इसको टच करा के, टच नहीं उसके पास में लाकर देख सकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, क्योंकि ये भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और हम लोग ये भी पाएंगे अलग अलग कंडीशन में, आप एक्टिविटी करके देखेंगे तो, जैसे अगर मान लीजिए एक एक्टिविटी में आपने वायर के बीच में गैप बढ़ा दिया है, तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, और एक में पास पास में वायर कनेक्ट किए रहेंगे वहाँ पे अट्रैक्शन रहेगा, उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि जितना नंबर ऑफ क्वाइलिंग क्लोज रहेगा उतना ही स्ट्रांग फील्ड क्रिएट होगा, और जितना नंबर ऑफ क्वाइलिंग कम रहेगा, दूर दूर रहेगा, उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना, क्लियर। और करंट ज़्यादा जितना पास होगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाइलिंग के अंदर सेंट्रल पार्ट में, उस सर्कल के अंदर सेंट्रल पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि वहीं से ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।